हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं फिर से आ गई ब्लॉग करने और मैं एकदम ठीक हूँ। अभी हाथ में थोड़ा ही दर्द है और कल बहुत सर घूम रहा था और बुखार भी आया था, ज्यादा नहीं 100 ऐसा, लेकिन सर बहुत घूम रहा था कि मैं बेड से उठ भी नहीं पा रहा था, इतना सर घूम रहा था। सो फ्रेंड्स, आज जा रही हूँ एक जगह घूमने के लिए, तो वहाँ पे जाके ब्लॉग होगा या चैलेंज वीडियो होगा, वहां पे जाके आप लोगों को मालूम चलेगा। तो चलिए चलते हैं वहां पे। A few moments later, तो फ्रेंड्स हम लोग अभी आ चुके हैं मामा के घर में। तो हम लोग अभी करने वाले आपका मटन करी और आपका राइस चैलेंज, उसके साथ भी हम लोग और भी कुछ लिया है जैसे पोटल भाजा। मैं आपको सब दिखाऊंगा पूरा थाली, और जो हम लोग जो चर्बी आता है, चर्बी का पकौड़ा, फिर उसमें फिश का, मछली का जो सर होता है उसका, आपका दाल, तो वो मूंग दाल से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स वो सब दिखाऊंगा आप लोगों को। तो फिलहाल अभी हम लोग चैलेंज स्टार्ट करते हो, और बाकी का ब्लॉग मेरा वाइफ ही कंटिन्यू करेगा, मतलब विश्व मम्मी। तो फिलहाल हम लोग चलिए चैलेंज पे जाते हैं। A few minutes later. So friends, अभी हम लोग बैठ गए हम लोग तीनों मिलके। इधर मेरा और एक भाई आने वाला था, लेकिन उसका आ नहीं पाया, वो भी कॉम्पिटिशन में था। तो फ्रेंड्स इधर मैंने जो मटन लिया है, मेरा वाला मटन में आपका इसमें जो एक लहसुन है वो मतलब ऑप्शनल है, मतलब अभी नहीं खाते, आपका बाद में भी हम लोग खा सकते हैं। जैसे मेरा वाइफ का भी है, लेकिन इसको छोटे और बच्चा है, नहीं खा पाएगा। तो अभी ये जो लहसुन है ये हम बाद में खाएंगे, हाँ मतलब खत्म होने के बाद। और इधर में वो जो क्या बोलते हैं इसको, मछली का जो सेल है, सिर का जो मतलब जो काटा है, वो भी हम कंपटीशन होने के बाद खा सकते हैं। फिलहाल आप लोग तो देख लिए क्या क्या है, तो हम लोग अभी देरी नहीं करके जल्दी खाते हैं, क्योंकि आप ही हम लोग खाएंगे उसके बाद और मेरे वाला सब खाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स क्वान्टिटी सबका एक ही है, हाँ एक ही है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स इधर सब तो है, और आपका इधर सलाद भी है, सलाद पूरा खत्म होना पड़ेगा और बाकी चीज सब खत्म होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ठीक है, जो तो ऑप्शनल है मैं वो बताती हूँ, नींबू की ऑप्शनल है। तो रेडी फ्रेंड्स, 3, 2, 1 गो। आपका जो दाल है काफी अच्छा बना है, और ये जो पकौड़ा है ये भी बहुत अच्छा। मामा को हम लोग ने टीका बोला था लाने के लिए, मामा ने हम लोग को टीका लगा दिया, बहुत अच्छा लगता है टीका खाने में। Thank you.
मेरा कंप्लीट हो चुका है अभी, ये इन दोनों का नहीं हुआ है और ये खा नहीं पा रहा है क्योंकि जो मटन बना है काफी स्पाइसी है फ्रेंड्स, खा नहीं पा रहा है, हालत खराब। इसका भी मतलब स्पाइसी से ज्यादा इसका राइस ज्यादा हो गया है बोल रहा है क्योंकि आइटम बहुत था फ्रेंड्स, आइटम बहुत होने की वजह से पूरा खा नहीं पा रहा है। राखी में तो खा नहीं पाया तो क्या हो, मैंने तो खाया तो मैं जीत गया। ये दोनों मुझे क्या खिलाएगा वो बाद में आप लोग को दिखाता हूँ क्या खिलाएंगे। Seven hours later. So friends, आपने देखा है कि बाहर बहुत क्राउड हो रहा है, आप मेरी आवाज़ ठीक से नहीं सुन पाएंगे, तो मैं हार चुकी हूँ, तो मुझे खाना खिलाना पड़ेगा ऋषि को पापा को, तो मैं उसको लेकर, वो खाना चाहती है बादाम शेक, तो वो खाएगा, तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए पी रहा है वो, कैसा लगा? सो फ्रेंड्स है देखिए ऋषि भी आया मेरे साथ, बहुत रो रहा था तो लेके आ गई मैं ऋषि को, नहीं लेने वाला था लेकिन वो बहुत जिद कर रहा था इसलिए लेके आना पड़ा। और मैं खाऊंगी कुल्फी, कुल्फी आइसक्रीम तो मैं आपको दिखाऊंगी। आ गया आइसक्रीम, देखिए ऋषि को अलग से चाहिए थे, तो देना पड़ेगा अलग। तो चलिए मैं घर के लिए भी पैक कर लूंगी, तो चलिए मिलते हैं घर पर। तो फ्रेंड्स देखिए ऋषु ले लिया मेरा आइसक्रीम, वो अभी खा रहा है। सो बाहर से आके मैं फिर वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया और मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को क्योंकि वो जो हम सब ना गप्पे में बैठ गए थे ऋषु को लेकर, और जो बच्चे मैं आपको आप लोगों ने आगे ब्लॉग में देखा ही होगा मेरा ब्लॉग जो देखते है, तो वो बच्चे आया था, ऋषु भी खेल रहा था, सब गप्पे कर रहे थे, मैं भूल ही गई ब्लॉक करने में, तो मैं डायरेक्ट घर में आके आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा मेरा चैलेंज, और मैं आज जीत नहीं पाई क्योंकि मैं खा नहीं पा रही थी, मुझे कल इतना मेरा तबीयत ठीक नहीं था ना, आज मम्मी ने इतना ज़्यादा राइस दे दिया मैं खा नहीं पा रही थी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे, चैलेंज अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए तो मेरे वीडियो आते सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंस्टा और फेसबुक में भी फॉलो करना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स बाय बाय, गुड नाइट, मिलती हूँ कल नया ब्लॉग लेकर, टाटा।